नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष मौर्य। दोस्तों, हमने एक 8 HP का एयर कूल्ड डीजल इंजन खोला हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं हमने इसके क्रेंग को खोल के बाहर निकाला हुआ है। दोस्तों, इसका चाबी बहुत ही जाम है, तो इसे हम खराद पर लेकर आए हैं निकलवाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ ये आप देख सकते हैं चाबी निकालने का एक ये भी तरीका है। तो यहाँ पहले ये चाबी को गला रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये चाबी को कुछ गला रहे हैं, उसके बाद इसमें एक छड़ को वेल्डिंग करेंगे। तो यहाँ अब आप देख सकते हैं चाबी में इस छड़ को ऐसे वेल्डिंग कर देंगे। दोस्तों, यहाँ छड़ को चाबी में मजबूती से वेल्डिंग करेंगे। दोस्तों, चाबी निकालने के बहुत से तरीके हैं, उसमें से एक तरीका ये भी है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आगे भी लाता रहूँगा। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं छड़ के आगे भी थोड़ा सा ये वेल्डिंग कर रहे हैं, तो ये इनका निकालने का तरीका कुछ अलग है। दोस्तों, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कभी अगर चाबी बहुत जाम हो और ना निकले तो चाबी निकालने का एक तरीका ये भी है, तो ऐसे आप चाबी को आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये फ्लाईव्हील जो है पंखी वाला है, इसे प्रेस मशीन पे रखने में दिक्कत होगा, पूरा पंखी इसका टूट जाएगा, तो यहाँ बिना प्रेस मशीन का ही इसे निकालेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहिए, देखिए कैसे ये चाबी और फ्लाईव्हील निकलता है। यहाँ दोस्तों, वेल्डिंग करने के बाद अब इस फ्लाईव्हील को यहाँ पर रखने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं इन्होंने फ्लाईव्हील को ऐसे रखा हुआ है। और यहाँ ऐसे इसको छोड़ देंगे और ये चाबी बाहर निकल जाएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं चाबी निकालने का ये भी एक तरीका है। उठवले रहा उमा सटल है। हाँ, बस दे ना यहाँ। तो दोस्तों, आपने देखा चाबी बहुत ही आसानी से निकल गया। अब ये इसको थोड़ा उठाकर ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा फ्लाईव्हील नीचे की तरफ जाएगा, कुछ नहीं चला, जिससे कि क्रेन निकलने में आसानी होगी। ये आप देख सकते हैं इसका चाबी ऐसे निकला है। और यहाँ इसको आगे पेपर से थोड़ा मास देंगे, जिससे आगे जो जंग लगा होगा वो फट जाएगा। और इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। यहाँ पानी डालने के बाद कुछ देर इसको छोड़ देंगे। अब दोस्तों, यहाँ इसको छोड़ देंगे, निकालेंगे। यहाँ एक मोटा राड लेना है और उसी से छोड़ देंगे। अब यहाँ पर ऐसे छोड़ देंगे और क्रेंग बाहर निकल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये क्रेंग हमारा बहुत ही आसानी से निकल गया। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।